हाय गाइस, माय नेम इज निकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं एक ऐसी अनोखी जगह में जो पुणे से हार्डली 60 किलोमीटर पे है और जिसका नाम है द आर्बोरियल। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे जो व्यू है, वेल मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये व्यू हमारे रूम से है और जो रूम है वो देख के तो आप एकदम शॉक हो जाओगे कि इतना सुंदर रूम आपको एकदम बजट में मिलने वाला है। सो लेट मी गिव यू द कम्प्लीट टूर ऑफ दिस प्लेस एज वेल एज आई गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द रेट्स एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ओवर हियर। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलो मैं आपको ये पहले जगह दिखा देती हूँ एंड देन आई कम बैक टू माई रूम एंड आई शो यू दैट। तो हम अब आर्बोरियल पहुँच चुके हैं और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो एकदम ऑफ रोडिंग है, तो इसके लिए वो लोग आपको ऐसी टाइप की कोई गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी वो है और हमने अभी क्या किया है, हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे लगा दी है तो वो सेफली पार्क है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, और यहाँ से आपको वो लेके जाएंगे और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आर्बोरियल पार्किंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी सारी गाड़ियाँ लग जाती है, दे प्रॉपरली टेक केयर ऑफ इट एंड नाउ वी आर गोइंग इन दिस कार, सो आई विल शो यू दैट। तो अभी हमें यहाँ पे उतारा गया है, यहाँ से 1-2 मिनट का वॉक है, तो जैसे आपको यहाँ पे गाड़ी छोड़ेगी एंड देन यू हैव टू वॉक फॉर 1 or 2 मिनट एंड देन यू विल रीच द रिसॉर्ट। तो ये हमारा स्टे है, आज हम यहाँ पे रहने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्विमिंग पूल है, वहाँ पे भी स्विमिंग पूल है और ये सारे ट्री हाउस टाइप है, सो यू विल गेट अ कम्प्लीट व्यू, वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी। पर अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव आवर लंच एंड देन आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इनका रेस्टोरेंट यहाँ से बहुत ही पास में है तो हम अभी वहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले ये एकदम जंगल के बीच में है तो आपको ऐसे उन्होंने पाथवे बना रखा है जहाँ से आप जा सकते हो रेस्टोरेंट में एज वेल एज आपके रूम की तरफ। और यहाँ पे गाड़ियाँ कोई भी नहीं आती अनलेस एंड अनटिल इनकी हो, तो इसके लिए मैंने आपको जो पहले वाला वीडियो दिखाया उसमें वहाँ पे आपको गाड़ी रुकानी है एंड देन यू हैव टू कम ओवर हियर। और ये है बर्ड वॉचिंग एरिया, वैसे तो ऊपर टंकी है पर आप जा सकते हो और वहाँ से ये पूरा व्यू आप देख सकते हो। बारिश में ये जगह तो बहुत ही सुंदर होगी, अभी वैसे स्टार्ट ऑफ समर है बट स्टिल दिस इज रियली वेरी ऑसम। यहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, मतलब ये और मचान भी बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। और ये है रेस्टोरेंट की तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि आप एकदम फॉरेस्ट में हो और वो भी लग्जरी फॉरेस्ट में, ऐसे ऑप्शन नहीं मिलते। सो इट फील्स वेरी गुड ओवर देयर। We had our lunch and let me tell you the food quality is also very good. Now let me show you how this place looks. तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ से ये एक साइड में मचान है, ये दूसरा मचान है, जैसे आप इसको ट्री हाउस भी बोल सकते हो, और नीचे एक रूम है और ऊपर 2 रूम है एंड द बेस्ट पार्ट इज द व्यू। पर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ का स्विमिंग पूल। वैसे तो हर मचान के नीचे एक स्विमिंग पूल उन लोगों ने बना रखा है, वहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक। तो ये वाला हम पहले देखेंगे। तो उन लोगों ने ऐसी ही अरेंजमेंट में बना रखा है दैट एक मचान में 3 रूम्स एंड 3 रूम के नीचे एक स्विमिंग पूल, वैसे ही ऑपोजिट साइड में भी आपको सेम चीज मिलेगी। अभी हम ऊपर जा रहे हैं रूम की तरफ, ये साइड जैसे आप देख सकते हो ये एक रूम है, ये एक रूम है और उसके ऊपर आपको 2-2 रूम्स मिलेंगे। तो हमने जो लिया है, हमने ऊपर वाला रूम लिया है, तो ये है हमारा रूम।
Now let me show you the room. जैसे आप यहाँ पे अंदर आओगे, you feel so relaxed and this place is really very comfortable. Let me show you that. यहाँ पे बेड है, proper एकदम कोजी सा बेड है. You have AC, Wi-Fi, mini fridge, and now let me tell you the USP of this room, which is straight out of the window. दो साइड ग्लास वॉल, लिटरली आई कैन स्टैंड हियर एंड दिस प्लेस इज सो स्पॉटलेस कि ऐसे भी मैं अगर घिसू ना तो भी कुछ डर्ट नहीं लग रही है मेरे हाथ में. दीज पीपल टेक क्लीनलीनेस वेरी सीरियसली एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉट एवर यू टच इन दिस रूम इट्स स्पॉटलेस. तो जैसे आप देख सकते हो मेरे ये साइड बहुत ही सुंदर व्यू है एज वेल एज सामने साइड, और मेरा जो बेड है वो एग्जैक्टली पीछे है तो वहां से ये मुझे कंप्लीट व्यू आता है. ये देखना, ये मेरे पीछे मेरा बेड है विच इज ऑल्सो नाइस एंड कोजी. तो ये सारा व्यू, अगर आप ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्ट ढूंढना चाहते हो तो आपको सबको पता होगा कि मचान है, पर मचान का प्राइस बहुत ज्यादा है. इट्स लाइक अराउंड 30,000 पर नाइट, और मेन थिंग मतलब उसका वेट टाइम भी बहुत ज्यादा है. अगर आप अभी बुकिंग करोगे तो आपको शायद 6 महीने के बाद उसका बुकिंग मिले, बट ये चीज़ नई खुली हुई है, इसका नाम द आर्बोरियल है, और आपको हाफ प्राइस में अगर ऐसी लोकेशन मिल रहा है और ऐसा प्लेस मिल रहा है देन व्हाई नॉट. तो ये जैसे आपने रूम देखा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कोजी है, काफ़ी ब्यूटिफुल है, इसका बाथरूम भी कुछ कम नहीं है. सो लेट मी शो यू द वॉशरूम नाउ. ये है इसका वॉशरूम. यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ ब्यूटीफुल इट इज. इट हैज अ वेरी बिग बाथटब, और जो व्यू है यहां से वो भी ऑसम. और ये बाथटब स्पेसिफिकली दो लोगों के लिए बनाया गया है. वेल, आपको ये लगता होगा कि इतने सारे ग्लास विंडोज एंड ग्लास डोर्स हैं, सो व्हाट अबाउट द प्राइवेसी, बट ट्रस्ट मी प्राइवेसी इज कम्प्लीट, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो सारे माउंटेन्स ही है. यहाँ पे उन लोगों ने प्राइवेसी भी मेंटेन की है एज वेल एज आपको सारी चीज़ें कम्फर्ट विथ लग्जरी, ये सारी चीज़ों का कॉम्बो है एंड दैट टू इन हाफ प्राइस. अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बालकनी, चलो वो दिखाती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त है. तो ये है हमारी बालकनी. तो अभी 5:30 बज रहे हैं और इन लोगों ने हमें बताया कि ये लेक के तरफ लेके जाएंगे हमें. उसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक कार की अरेंजमेंट कर रखी है, क्योंकि ये पूरा एरिया जंगल वाला है, यहाँ पे आपकी कार नहीं चलने वाली है. तो इसके वजह से इनके कार में आपको लेके जाएंगे लेक की तरफ, और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का लेक कैसा है. तो ये है हमारी गाड़ी और ये है मचान सामने. अब हम यहाँ पे बैठने वाले हैं और यहाँ से हम जाएंगे लेक की तरफ. तो ये हमारी ड्राइव है, अभी हमें ऐसे पीछे खड़ा किया है और ये हमारी गाड़ी है. हाय, तो अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और जा रहे हैं. इट्स रियली फन, सो यू शुड रियली ट्राई दिस व्हेन यू कम ओवर हियर. ये जगह बहुत रॉ है और काफी इंटीरियर में, इसके वजह से ये लोग अपनी गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ब्रिंग योर कार इफ इट्स एसयूवी और फोर व्हील ड्राइव, बट आई वुड रियली सजेस्ट दैट प्लीज डोंट, क्योंकि जिस तरीके से मैंने रास्ते देखे हैं काफी ऊपर नीचे है, नुकीले पत्थर होने के वजह से आपके टायर्स को प्रॉब्लम हो सकती है. सो बेटर एंजॉय द राइड विद देम. वी फाइनली रीच एंड जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स सो ब्यूटिफुल, द सनसेट इज awesome. तो ये है कंप्लीट लेक, आप देख सकते हो इतना शांत और इतना मस्त है. हालांकि आप इसमें स्विम नहीं कर सकते हो, बट टू कम योर रिलैक्स एंड एंजॉय द सनसेट इज द बेस्ट थिंग. रात में ये जगह ऐसी दिखती है, इट्स रियली ब्यूटिफुल.
गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं अपने बेड पे बैठी हूँ और बेड से सीधा मुंह पे सनलाइट आ रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं जस्ट आपको एक व्यू दिखाती हूँ मेरे बेड से। सो ये है मेरा बेड और यहाँ से कंप्लीट व्यू। अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ क्योंकि आप एकदम ऐसे जंगल में रह रहे हैं और जो यहाँ का वॉइस है या जो साउंड है बहुत ही मस्त आ रहा है। एकदम शांति है हर एक जगह पे। और ये हमारी बालकनी, लेट मी टेक यू आउट। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाली, जस्ट लिसन टू द साउंड। ये पूरी जगह एकदम ऐसा सेक्लूडेड है तो यहाँ पे आप अगर वॉक पे भी निकलो तो भी बहुत सही है। और ये जो है टंकी है वहाँ पे भी आप चढ़ सकते हो, थोड़ा रिस्क ही है बट इफ यू वांट यू कैन। अदरवाइज ये होल चीज़ नेचर में ही है तो आप ऐसे नीचे भी ये जो पाथवे बना है वहाँ पे भी चलने जा सकते हो। देन ऑल्सो यू कैन लिसन टू ऑल दिस थिंग्स और जस्ट सिट हियर एंड रिलैक्स। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के बस ये व्यू एंजॉय करने वाली हूँ। वैसे आप यहाँ पे सुबह में ट्रैकिंग को भी जा सकते हो, वैसे ये ट्रैकिंग पे भी लेके जाते हैं बट आई गेस हम सोते रह गए इसलिए हम लोग गए नहीं। अदरवाइज दीज पीपल अरेंज दैट एज वेल। और ये जगह पेट फ्रेंडली भी है और यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ है, जैसे हमने कल किया हम लेक की तरफ ये लोग हमें लेके गए थे और आज सुबह ट्रैकिंग था, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन जस्ट रिलैक्स लाइक वी आर डूइंग राइट नाउ। ब्रेकफास्ट टाइम होता है 8:30 to 10:30 और अभी बज रहा है 8:30, तो हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पे भी इन लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग किया हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि रेस्टोरेंट कौन सी तरफ है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से बट वॉक इज नाइस। आई जस्ट शो यू दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजेस। वैसे यहाँ पे दो टाइप ऑफ रूम्स हैं, जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं क्लासिक सनरूम और जो ऊपर वाला था जो हमने लिया था उसको बोलते हैं लग्जरी सनरूम। क्लासिक सनरूम विल कॉस्ट यू 10,000 ड्यूरिंग वीकडेज एंड 13,000 ड्यूरिंग वीकेंड्स। और जो लग्जरी सनरूम है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 13,000 ड्यूरिंग वीकडेज एंड 16,000 ड्यूरिंग वीकेंड्स। एंड दीज बोथ द पैकेजेस इंक्लूड ब्रेकफास्ट। तो ये है रेस्टोरेंट और यहाँ पे भी एक्सटेंड हो रहा है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। पर ये जो साइड है, लेट मी शो यू दैट। तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ से बहुत सारा पानी आता है बारिश के टाइम में, तो इन लोगों ने इसको इस वे में चैनलाइज किया है कि ये कम्प्लीटली ऐसे सराउंड होके वो साइड जाएगा। तो यहाँ पे बैठने की इन लोगों ने अरेंजमेंट की है। अभी विंटर के टाइम में यहाँ पे रात में कैंप फायर होता है बट इफ़ इट्स रेनी सीजन देन दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रीम और यहाँ पे आप बैठ के नाश्ता या ड्रिंक्स यू कैन एंजॉय दैट क्योंकि सामने ही रेस्टोरेंट है। ये जो सामने है ये एक छोटी सी अरेंजमेंट है फॉर कैंडल लाइट डिनर। इफ़ यू हैव एनी स्पेशल ओकेजन, इफ़ यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट, यू जस्ट हैव टू टेल देम, दे विल अरेंज इट फॉर यू। तो हम वापस अपने पार्किंग के जगह पे पहुंच चुके हैं। ये हमारे पीछे हमारी सवारी थी जिसने हमें आर्बोरियल से यहाँ तक पहुँचाया एंड नाउ वी आर गोइंग टू हेड होम। तो हमारी गाड़ी उधर है, तो ऐसे ये सबकी गाड़ी रहती है यहाँ पे, काफ़ी सेफ पार्किंग है। और आपको जो लेके जाएंगे आर्बोरियल तक उसका डिस्टेंस हार्डली 4 to 5 kilometers है पर टाइम लगता है 20 to 25 minutes बट इट्स कम्प्लीटली फन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज विच गोज बाय द सेम नेम निकी डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।